सुपेला अंडरब्रिज का निर्माण कार्य प्रगति पर है। निर्माणी संस्था द्वारा अपने तमाम संसाधन कार्य में लगा दिए गए हैं। समय सीमा में कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा, ऐसी लोगों द्वारा उम्मीद जताई जा रही है। सुपेला अंडरब्रिज का निर्माण कार्य शुरू होने से लोगों की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी होने जा रही है। सुपेला रेलवे क्रॉसिंग में अंडरब्रिज की मांग लंबे वक्त से की जा रही थी। क्रॉसिंग के बंद रहने की स्थिति में पटरी के दोनों ओर वाहनों का जमावड़ा लगा रहता था, जिससे लोगों को काफी परेशान होना पड़ता था। इसकी वजह से यहां अंडरब्रिज की मांग लंबे वक्त से की जा रही थी। निर्माण कार्य अब आरंभ हो चुका है, आने वाले दिनों में लोगों को इसका लाभ मिलना आरंभ हो जाएगा। सुपेला रेलवे क्रॉसिंग में अंडरब्रिज के निर्माण कार्य की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर निर्माणी कंपनी द्वारा लगातार कार्य किया जा रहा है। उनकी जेसीबी मशीनें, डंपर, खुदाई का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। इसके बाद निर्माणी संस्था द्वारा अंडरब्रिज निर्माण को लेकर के कार्रवाई की जाएगी। इसके पूर्व भी चंद्रा मौर्य अंडरब्रिज, पावर हाउस का अंडरब्रिज एवं नेहरू नगर का अंडरब्रिज में से लोगों की आवाजाही बदस्तूर जारी है। लेकिन चूंकि चंद्रा मौर्य अंडरब्रिज और ये जो महत्वपूर्ण अंडरब्रिज के संख्या में गिना जाता है, लेकिन इसकी कहा जा सकता है कि इसका उपयोग लोगों द्वारा महज 8 माह के लिए किया जाता है। पूरे चार महीनों तक बरसात की वजह से अंडरबार जो ब्रिज है पूरी तरह से बाधित रहता है। उसमें पानी भरे होने की वजह से एक प्रकार से लोगों की आवाजाही बंद हो जाती है, तो मजबूरन लोगों को नेहरू नगर अंडरब्रिज अथवा पावर हाउस अंडरब्रिज का उपयोग, अंडरब्रिज या कहें ओवरब्रिज का उपयोग करना पड़ता है। इस अंडरब्रिज के निर्माण कार्य के दौरान ऐसी कोई खामियां ना रहें जिससे इसका लाभ भी लोगों को ना मिल सके बरसात के दौरान। हालांकि नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा पानी निकासी को लेकर तमाम तरह के प्रयास किए जाते हैं, व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाते हैं, कार्य किए जाते हैं, उसके बावजूद भी स्थिति यथावत रहती है। पानी भरता ही है। इसके पहले भी देखा जा चुका है कि निगम प्रशासन द्वारा अंडरब्रिज को लेकर बातें कही गई थी कि इसमें इस वर्ष पानी नहीं भरेगा, लेकिन पानी की स्थिति थोड़ी सी हल्की सी बरसात में ही ठहरे लोगों को दूसरा विकल्प चुनना पड़े अपने गंतव्य की पटरी पास एक ओर से दूसरी ओर आने जाने। इसे देखते हुए निर्माणी एजेंसी और अधिकारियों को इसका लगातार मॉनिटरिंग किए जाने की जरूरत है, ताकि इसमें जल भराव, इस अंडरब्रिज में जल भराव की स्थिति निर्मित ना हो सके और निरंतर